बंधुओं, इस अध्याय में संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम को आपको बताया जाएगा। हिंदी में जिसे हम अंगूठा कहते हैं, संस्कृत में उसे अंगुष्ठ कहा जाता है। उंगली को संस्कृत में अंगुली ही कहते हैं। कान को संस्कृत में कर्णः या श्रोत्रम कहा जाता है। आंख को संस्कृत में लोचनम, नेत्रम या फिर नयनम भी कहा जाता है। बाल को संस्कृत में केशः या शिरोरुहः कहा जाता है। बाह को बाहुः या भुजः भी कहते हैं। पांव को संस्कृत में पादः या चरणः कहा जाता है। नाखून को संस्कृत में नखः कहा जाता है। नाक को नासिका या घ्राणम कहते हैं। दांत को संस्कृत में दंतः या दशनः भी कहा जाता है। कलाई को संस्कृत में मणिबंधः कहा जाता है। गर्दन को गलह, ग्रीवा या कंठः कहा जाता है। छाती को उरह या वक्षः कहा जाता है। कंधा को स्कंधः और जिगर को यकृत कहा जाता है। गाल को कपोलः, ओठ नीचे वाले को अधरः कहा जाता है। कमर को कटिः या श्रोणिः कहा जाता है। जांघ को जंघा या उरुह भी कहते हैं। जीभ को रसना या जिह्वा कहा जाता है। दाढ़ी को कूर्चम, भौं को भ्रूह, मन को चित्तम या मनः, मूछ को शमश्रुः, पीठ को पृष्ठम, पेट को उदरम या कुक्षिः, बुद्धि को प्रज्ञा या धीः अथवा बुद्धि भी कहा जाता है। माथा को ललाटम, हथेली को करतलम, खाल को चर्म या त्वक, सिर को शिरः या शीर्षम कहा जाता है। हड्डी को अस्थि, खून को रक्तम या रुधिरम, स्तन को कुचः या स्तनः, हाथ को करः अथवा हस्तः या पाणि भी कहा जाता है। चारों उंगलियों के भिन्न भिन्न नाम हैं। तर्जनी, दूसरे का मध्यमा, उससे अगले का अनामिका और सबसे छोटी वाली उंगलियों को कनिष्ठा कहा जाता है। तो इस तरह आपने फलों के, फूलों के, पशुओं के, पक्षियों के एवं अंगों के नामों को संस्कृत में जाना। इनमें से किसी भी अध्याय को दोबारा से देखना हो या सुनना हो तो आप किसी भी अध्याय पर यहां से जाकर देख सकते हैं। विशेष अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।